तो समीप के फॉर्मूले में हमारे साथ एक क्वेश्चन है जिसमें नेम है, सिटी है और यहां हमारे पास मंथ वाइज यहां पे रिपोर्ट चाहिए। तो डेटा में हमारे पास मंथ नहीं है, डेटा में हमारे पास डेट है। अब यही पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब डेट है मेरे पास, राइट? तो अगर मान लीजिए मैंने यहां पे जैन लिखा, क्योंकि बाहर आप देखेंगे समरी पे हमारे पास सिर्फ जैन लिखा हुआ है, तो कैसे टोटल कैसे होगा? तो मुझे अगर इसमें से सिर्फ जैन का टोटल चाहिए बट डेटा डेट वाइज है, तो सबसे पहले मुझे इसका मंथ क्रिएट करना होगा, स्टार्ट डेट और एंड डेट क्रिएट करना होगा, जिसको हम कॉन्केट के हिसाब से कर सकते हैं। वन डैश कॉन्केटनेट लिए, इसको सिलेक्ट किए, अगेन कॉन्केटनेट डैश 2021, ओके आ गया सर? हाँ जी। और फिर वापस मैंने यहां पे ईओ मंथ लगाया और इसको सिलेक्ट करके मैंने कॉमा जीरो कर दिया, तो इसका एंड ऑफ मंथ आ गया। तो स्टार्ट डेट और एंड डेट पता चल गया हमें। अब यहां हम देंगे फॉर्मूला सम इफ्स का। किसका देंगे? सम इफ्स का। सम इफ्स का फॉर्मूला यहां लगाएंगे और इसमें देंगे सम रेंज। तो सम रेंज क्या है? मेरी क्वांटिटी है, इसको सिलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया वन रेंज, तो पहली क्राइटेरिया हमारा ए है, सॉरी डेट मार्क कीजिएगा, डेट है। और इसमें हमने बोला कि जो स्टार्ट डेट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, हमने अपना डेट ले लिया कि 1 जनवरी से बड़ा होना चाहिए, राइट? फिर वापस हम क्राइटेरिया को लेते हैं, दूसरी क्राइटेरिया देते हैं कि ए लेस देन इक्वल टू हमारा 31 जनवरी होना चाहिए। तो 1 जनवरी से बड़ा और 31 जनवरी से छोटा, तो ये आपका जैन 2021 का टोटल निकल गया। समझ गए? अब इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम यहां पे अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहां इसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट बनाना होगा। तो वन यहां पे वन डैश और एंड परसेंट के साथ हमने इसको सिलेक्ट किया एंड अगेन डैश, और ईयर जो ऊपर हमारा 2019 सिलेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आगे फिर ईओ मंथ जो एंड ऑफ मंथ दिखाता है उसमें जीरो कर दिया, तो इस डेट महीने का लास्ट डेट बता दिया। अब मैं यहां सम इफ्स लगाऊंगा और सबसे पहले जाऊंगा डेटा में और हम लेंगे अपना सम रेंज, जिसको सम करना है। देन क्राइटेरिया वन रेंज, और क्राइटेरिया वन जो होगा हमारा समरी का नेम होगा। क्राइटेरिया टू रेंज जो कि सिटी है, और समरी में भी जो सिटी है उस सिटी को सिलेक्ट करें। क्राइटेरिया थ्री रेंज, क्राइटेरिया थ्री में क्या है? डेट है, डेट है हमारा, राइट? तो हमने ई बाई ई लिया और हमने बोला कि लेस देन इक्वल टू एंड साथ कॉन्केट करेंगे स्टार्ट डेट जो कि यहां यहां पे किस कॉलम पे है, ठीक है? और वापस हम आते हैं, डेट को सिलेक्ट करते हैं और बोलते हैं लेस डेट लेस देन इक्वल टू और एन परसेंट वापस समरी में जो कि इस कॉलम में है यहां पे, और एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आ गया। आ गया सर रिजल्ट? अब मुझे इसको इस फॉर्मूले को ऑटोमेट करना है। सबसे पहले हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ डी एट पे पेस्ट कर देते हैं, और ये हमारा ए एट है उधर रहेगा रहेगा, बी फोर को फ्रीज कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ भी जहाँ जहाँ समरी बी टू है, दिख रहा है बी टू, तो बी टू को मुझे नीचे ड्रैग करना है तो फ्रीज करना पड़ेगा ना। बी टू कौन सा है? नेम है हमारा, ऊपर जो नेम है, सॉरी यहां पे सिंगल कोड लगा हुआ, उसके बाद b by b रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां b3 है, इसको भी हमें डिलीट करना होगा,
ठीक है। इसको भी F4 कर दिया और E8, इसको भी मैंने F4 करके सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, क्लियर है सर इसमें? कोई डाउट इसमें? नहीं। और इसको एंटर प्रेस कर दे, रिजल्ट आ गया। ठीक है, हाँ जी। अब इसमें मुझे इस फॉर्मूले को ऑटोमेट करना है जो हमने लगाया हुआ है, जो आपका D8 है। तो इस फॉर्मूले को हम कॉपी करते हैं और हमारे इस फॉर्मूले में जहां पे D8 है उसको डिलीट कर देते हैं और इसके जगह पे D8 का फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं, बट ब्रैकेट में। ऐसे ही यहाँ पे हमारा E8 है, E8 को कॉपी करते हैं और अपने फॉर्मूले में E8 को हम डिलीट कर देते हैं। और E8 के जगह पे E8 का फॉर्मूला हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब मैं इसको आसानी से नीचे की तरफ ड्रैग कर सकता हूँ। यहाँ 0 आ रहा है, हाँ। इस पे एक चीज लग रहा है, फ्रीज नहीं हुआ है। B4, हाँ, A8, ये तो फ्रीज नहीं होगा, सही है। यहाँ B4 फ्रीज नहीं है। रिजल्ट आ गया वो। अब मुझे इस पे MRP का एवरेज चाहिए, तो हम पूरा का पूरा फॉर्मूले को जस्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और जहाँ हमने समिफ लगाया वहाँ हमें क्या करना है, एवरेज इप्स करना है और C/C के जगह पे D/D करना है। बाकी कोई कंडीशन चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सम इफ और एवरेज इफ दोनों एक जैसे लगते हैं। हाँ जी। अब आपका रिजल्ट देखिए। अब मैं अब यहाँ पे एरर आ रहा है ना, क्योंकि 0 है इसलिए एरर आ रहा है। सम इफ के फॉर्म एवरेज इफ का फॉर्मूला, अगर रिजल्ट 0 आता है तो आपका एरर देता है। तो इस फॉर्मूले को आप डाल दीजिए इफ एरर फॉर्मूले के अंदर। अब देखिए, एक साथ इतना लंबा फॉर्मूला लगता तो कंफ्यूजन था, लेकिन हमने वन बाय वन टुकड़ों में टुकड़ों लगाए हैं तो दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे 2020 करता हूँ तो 2020 का डेटा आ जाएगा। मैं पुणे के जगह पे, मैं यहाँ पे करता हूँ दिल्ली, तो दिल्ली का डेटा, अरे दिल्ली का डेटा नहीं है, इसमें एक काम करता हूँ नोएडा, नोएडा का डेटा आ गया। समझ में आया आपको?